हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, दैट इज सब नेचुरल फिनोमिनन। सब नेचुरल फिनोमिनन में आपको जो है बेसिकली लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक को जो है पढ़ना है। देखो, लाइटनिंग क्या होता है, पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो सोचते थे कि इंद्र देवता का प्रकोप है, हमसे कोई गलती हो गई है। तो पहले ज़माने में ये सोचते थे और अंदर छुप जाते थे, लाइटनिंग से बच जाते थे। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो वो क्या है, देखो चार्ज का है। क्या है चार्ज, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यानी कि नाइन्थ से जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले जो है बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या है, चार्ज जो है वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्ज रिपेल, रिपेल का मतलब होता है दूर भागना। क्या होता है, दूर भागना। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ आते हैं, पास आते हैं। ठीक है, पास आते हैं। तो ये जो है चार्ज की डिस्कवरी जो है आपके पास किसने की थी, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इसका ध्यान रखना, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। 1752 में इन्होंने ये डिस्कवरी की थी और इन्होंने ये बताया कि लाइटनिंग के पीछे का जो कारण है वो जो है चार्जेस का इकट्ठा हो जाना। वो कैसे इकट्ठे हुए वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, ये रही फिगर। ठीक है, आपके पास जो क्लाउड होते हैं ना, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। ऊपर वाले क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे वाले क्लाउड में नेगेटिव चार्ज होता है। और जो ग्राउंड होता है उसके पास खुद से भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ग्राउंड और जो ये नीचे वाले क्लाउड होते हैं, इनका चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है लाइटनिंग हो जाती है। ठीक है, इसका सिर्फ ये प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा बेसिक मैं आपको चार्जेस के बारे में और बता देती हूँ, जो इन्होंने इतने पेज भर रखे हैं वो किस लिए। देखो, एक्चुअली चार्जिंग की टेस्टिंग है कि चार्ज को, तो आपने भी ये छोटे क्लासेस में टेस्ट किया होगा। देखो क्या है कि कोम ले लो, कोम को अपने हेयर से रब कर लो। रब करने के बाद छोटे छोटे पेपर के पीसेस बनाए होंगे, उनको रख के, और फिर हेयर को आप जो है लेके गए होंगे, वो अट्रैक्ट हो गए होंगे उसकी तरफ पीसेस। ठीक है, ऐसे ही टीवी स्क्रीन के पास आप लेके जाओ छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके पास। इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल आपके जो है पोलिएस्टर के, जो लाइनॉन वगैरह के कपड़े हैं उन पर देखो, सर्दियों के कपड़ों पर जो है बाल वगैरह चिपक जाते हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसका रीज़न क्या है, तो ये है आपके पास चार्जेस का जो है अट्रैक्ट या रिपेल होना। तो अट्रैक्ट होते हैं, मैंने अभी बताया, पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपके पास जैसे ही आपने कोम को यहाँ पे ऐसे घिसा तो वो चार्ज हो गया। ठीक है, चार्ज होने के बाद उसने उसको भी चार्ज कर दिया। ठीक है, वैसे बॉडी कोई भी हो, न्यूट्रल होती है, लेकिन वो जो है न्यूट्रल का मतलब ये होता है दोनों चार्जेस होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही समझो चार्ज, आपसे इतना ही पूछा जा सकता है इस लेवल पे कि चार्ज हुआ या नोट चार्ज है, कैसी बॉडी है। तो आपको ध्यान रखना वो क्या है, चार्ज है। अब एक और ध्यान रखना कि ग्लास रोड होती है, जिसे जो है कैट का ये नहीं होता फर, कैट का फर लगा लो, इससे रब कर दे तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, गैस ग्लास रोड का कई बार पूछ लेता तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और बाकी ये बलून को इन्होंने रब करके दिखाया, बलून सेम चार्ज है तो दूर भाग गए, अपोजिट अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट हो गई। वो चार्जेस आप कैसे लेके आ सकते हो, आप आगे देख सकते हो, नाइन्थ क्लास में, टेंथ में आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको अच्छे से, जो है एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे हम नाइन्थ क्लास में, टेंथ में, ये सारी जो है हायर क्लासेज में हमें बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है। अब एनसीईआरटी से आगे फिर काम नहीं चलेगा, उसमें एक्स्ट्रा हमें काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये देखो रिफिल्स हैं, रिफिल्स पर भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। अगर सेम चार्ज लेके आओगे तो आपके पास क्या करेगा, ये रिपेल, अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। बलून है, बलून पे दूसरा चार्ज है, इस पे दूसरा है तो अट्रैक्ट कर रहा है इसको। ये इस तरीके से बस एग्जांपल है। देखो, समझना यही है कि सेम चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। यहाँ से देखो, ग्लास रोड पे मैंने आपको बता दिया है पॉजिटिव होता है। इसको चाहे सिल्क के साथ रब कर लो या फिर फर के साथ भी रब कर सकते हो, कैट का फर जो होता है। एक यहाँ पर ये ध्यान रखना, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ये जो है ना बड़ी क्लासेस से भी रिमूव हो गया है। इलेक्ट्रोस्कोप, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि चार्ज की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है दो गोल्ड की पत्तियाँ, प्लेट की जो है पत्तियाँ बना के ऐसे टांग दी गई थी, और फिर ऊपर से एक चार्ज दिया था, जो चार्ज ऊपर से दिया वही चार्ज नीचे आ जाएगा, तो दोनों पे सेम चार्ज होने की वजह से क्या कर देती थी, ये एक दूसरे से दूर भाग जाती थी। तो इसे क्या बोला गया है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। और इसे टेस्टिंग कौन करता है, इसकी इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है भाई, कभी चार्जिंग ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, अर्थ में भेज देते हैं उस चार्ज को। अर्थ में भेजना चार्ज को क्या करते हैं, बॉडी को डिस्चार्ज कर दिया। चार्ज था, उस चार्ज को अर्थ में भेज दिया, इसका मतलब वो बॉडी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। इसको अर्थिंग भी नाम दिया जाता है। ये कैसे पता लगाओगे, आपके घर हैं, घरों के ऊपर आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर ऐसे त्रिशूल की शेप में कुछ लगा होता है, तो वो क्या होता है, वो अर्थिंग के लिए लगाया जाता है। एक वायर उसकी अर्थ में फिट कर दी जाती है मेटल के थ्रू, तो जैसे कभी लाइटनिंग वगैरह होगी उसके थ्रू सारा चार्ज इसमें आके अर्थ में चला जाएगा, तो बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या करते हो आप, अर्थिंग करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अर्थ स्टोरी ऑफ लाइटनिंग मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। अब लाइटनिंग में आपको सेफ्टी क्या, अगर आप घर के अंदर हो तो घर के अंदर रहो, गाड़ी में तो गाड़ी में बैठे रहो, पेड़ के नीचे मत जाओ, और अगर बाय चांस आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा तो आप ऐसी पोजीशन में बैठोगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप कहीं मतलब स्टक हो जाते हो भाई, कुछ नहीं मिल रहा, तो स्क्वैट लो पोजीशन है, ध्यान रखना, इसमें आप सेफ रहोगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है आपके पास, जो है अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला भी नहीं लेके जानी चाहिए, अम्ब्रेला भी मेटल की होती है तो उसमें और भी ज़्यादा चार्जेस मतलब खतरा है। तो लाइटिंग वगैरह में ओपन ट्रीज वगैरह के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए आपको, बाकी खम्भों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास एक और नेचुरल फिनोमिनन, वो क्या है, अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक, ये लाइटनिंग कंडक्टर भी मैंने आपको बता दिया है, त्रिशूल की शेप का लगा होता है, ये किस लिए लगाया जाता है, ताकि सारा करंट जो है अर्थिंग के लिए यूज़ हो जाए। बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता इस लेवल पे। अब देखो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है भाई आपके पास, अर्थक्वेक सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, सबसे पहले 8 अक्टूबर 2005 को उरी और तंगधार टाउन में आया था कश्मीर के अंदर, जो कि बहुत ही डेंजरस था। फिर आया था 26 जनवरी 2001 को भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है। 8 अक्टूबर 2005 को आया था उरी में, उरी तंगधार में जो कि नॉर्थ कश्मीर में थे, कश्मीर के अंदर आया था 2005 में अक्टूबर के अंदर। और 26 जनवरी 2001 को आया था भाई भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर, तो इनमें लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। अर्थक्वेक क्या होता है, एकदम से सारी चीज़ें गिर जाना, जो है बिल्डिंग वगैरह नीचे गिर जाना, तो इस तरीके से हिल जाते। लेकिन अर्थक्वेक आता क्यों है भाई, देखो मेजर अर्थक्वेक बहुत ही मतलब कम आते हैं, लेकिन जो है ये आपके पास आते क्यों हैं, जब भी आते हैं अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं भाई, बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, सुनामी आ जाती है। तो ये सारे जो है आपके पास, सबसे ज़्यादा जो बड़ी सुनामी देखी गई थी 26 दिसंबर 2004 को देखी गई थी, कब देखी गई थी 26 दिसंबर 2004 को, इसमें जो है लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो ये कब आती है, देखो अर्थ की जो बाहरी परत होती है इसे क्रस्ट बोलते हैं, इसके अंदर वाली को मेंटल बोलते हैं, उसके बाद आउटर कोर, उसके बाद इनर कोर। लेकिन ये जो लेयर्स है ना, ये क्रस्ट है, ये खाली एक क्रस्ट नहीं है, ये भी जो है ना बहुत सारी लेयर से मिलके बना है, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है, लेयर से मिलके बना है, हर एक प्लेट जो है लेयर से मिलके बनी है, और वो प्लेट जो है मोशन में होती है, जैसे चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो मोशन में होती है ना, तो कई बार क्या होती है वो प्लेट जो है थोड़ी सी हिल जाती है, तो हिलने की वजह से ये अर्थक्वेक आता है, देखो ये रहा। तो जिसकी वजह से कई बार डिस्टर्बेंस हो जाती है अर्थ के क्रस्ट में, और जिसकी वजह से शेकिंग हो जाती है अर्थ की, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं अर्थक्वेक आ गया आपके पास। और जो ये आपके पास अर्थक्वेक होते हैं ना, ये मूवमेंट ऑफ प्लेट से होते हैं, तो एक इसका रीज़न ये ध्यान रखना कि प्लेट के मूवमेंट से होते हैं, और अर्थक्वेक जो है आपके पास जनरली वीक जोन्स में जो है अपीयर होने का होता है भाई। वीक जोन्स का मतलब होता है सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन्स में, जैसे कि कश्मीर वगैरह हुए, कश्मीर वेस्टर्न में, सेंट्रल हिमालयाज में, या फिर राजस्थान में, इस तरीके के एरिया में जो है ये डेंजर जोन में आते हैं आपके पास। तो जहाँ पर जो है वीक जोन और बाउंड्री, मतलब जो है आपका भारी हिस्सा होगा जो भी, तो वहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहीं पर जो है आपकी प्लेट जो है खिसकने का डर रहता है। अब दूसरा जो है, कईयों ने ये भी माना कि अर्थ के अंदर नीचे नीचे ये वोल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, इनसे भी रीज़न हो सकता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है। तो भैया ऐसा कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मेन रीज़न मूवमेंट ऑफ प्लेट, जो प्लेट है वही टिक करना आपको। अब इसको जो है अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हो, रिचर स्केल से करते हो भाई। अगर रिचर स्केल पे वैल्यू 7 से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसा आया है नुकसान देने वाला, अगर 7 से नीचे है तो ठीक है, तो रिचर स्केल पे आप मेजर करते हो। उसके बाद जो है ट्रेमर्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो है रिचर स्केल से मेजर करते हो, तो इसी को और भी आप एक सिस्मिक वेव के थ्रू भी मेजर कर सकते हो। तो सिस्मिक वेव क्या होती है, देखो अर्थ का पता लगाना हो कि कब आएगा अर्थक्वेक, तो वैसे एक्यूरेट तो पता नहीं लगा सकते अर्थक्वेक का, लेकिन लाइटिंग वगैरह का पता लगा सकते हैं। अर्थक्वेक का आप आइडिया ले लेते हो कि एपी सेंटर है, उसके आसपास जो है ना वेव्स बनाते हैं, वो वेव्स क्या होती है, सिस्मिक वेव्स होती है। तो ये वेव्स ऐसे जनरेट कर देते हो,
तो ये जो है सिस्मोग्राफ पे ऐसे जनरेट होती हैं। तो जैसे ही आपको ये दिखता है कि जो ये सिस्मोग्राफ है इनकी स्पीड क्या है, इन चीज़ों को मेज़र करके आप ये पता लगा सकते हो कि अर्थक्वेक कब आएगा। थोड़ा आइडिया मिल जाता है आपको कि इनकी स्पीड क्या, किस रेंज से वाइब्रेट हो रही हैं। तो इनको स्टडी करके, इन वेव्स को साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कब आएगा कब नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाता है। वैसे और भी स्केल है जैसे डेसिबल है, लेकिन रिचर स्केल जो है वो लीनियर नहीं होता। दिस मीन्स कि जो अर्थक्वेक है आपके पास छः, जैसे मैग्नीट्यूड छः का मतलब क्या, वैल्यू छः है, तो वो जो है आपके पास ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। हाफ मतलब कम होगी उसके पास डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, और ज़्यादा होगा अगर आपके पास 7 से ज़्यादा होगी। तो इतना ही ध्यान रखना, इसमें और कुछ नहीं। सिस्मिक वेव्स होते हैं वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आपके पास क्या होती है वीक बाउंड्री पे, जो भी आपके जोन्स होते हैं तो वहाँ पर आपको अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं। इसमें कैसे सेव रहना चाहिए, वही है सिस्मिक वेव वगैरह हो या ऐसे एरियाज पे ज़्यादा पक्के मकान ना बनाएं, छोटे घर बनाएं, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग ना बनाएं, ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो और आपके पास जो है दूर रहें बाकी चीज़ों से, जो भी दीवार वगैरह है उनसे, जो दीवार पे कोई चीज़ अगर आपने ज़्यादा लगा रखी, घड़ी वगैरह और कुछ है, कोई हैवी चीज़ ना हो ताकि आपके ऊपर गिर ना जाए वो भूकंप आए जब भी, तो ऐसे बचना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये था आपके पास नेचुरल फिनोमिनन, जिसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है चार्जेस की वजह से होती है लाइटनिंग। अर्थक्वेक जो है रिक्टर स्केल से मेजर होता है, पहला अर्थक्वेक कब आया था, तो क्या आपको अर्थक्वेक में करना चाहिए, क्या आपको इसमें करना चाहिए थंडरिंग स्टॉर्म में या फिर लाइटनिंग में। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको याद होंगे, मैंने आपको उससे बहुत ज़्यादा बता दिया है, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 12। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।